स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी क्या होती है। आपको ये मालूम है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो सेमी कंडक्टर्स में फॉर्म होते थे, ये आपने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड होंगे वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये है फर्मी फंक्शन एफई, दैट इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन एफई इक्वल्स टू 1/e^(e−EF/kT+1). इन दिस एक्सप्रेशन फर्मी फंक्शन एफई डिनोट्स अ फर्मी फंक्शन। दिस फर्मी फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी फॉर द एनर्जी स्टेट ई to be filled with electrons at temperature T. That means this Fermi function हमें देता है probability कि जो valence band और conduction band है ये electrons से किस तरह से filled होंगे उसकी probability बताता है ये Fermi function. EF is called the Fermi energy. K is Boltzmann constant. T absolute temperature. This is very basic fundamental expression for Fermi Dirac statistics. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है एक्स एक्सिस पे एनर्जी ई और वाई एक्सिस पे फर्मी फंक्शन एफ ई हमने लिया हुआ है। ये फर्मी फंक्शन और एनर्जी के बीच का ग्राफ है। बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्मी फंक्शन हमको ये बताता है कि एनर्जी लेवल्स कितने फील्ड हैं इलेक्ट्रॉन से जो कि फॉलो कर रहे हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होंगे क्वांटम स्टेट्स फील्ड होंगी इलेक्ट्रॉन से वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। दैट मीन्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का स्टेट सेम नहीं हो सकती क्योंकि उनकी स्पिन क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होगी। यहां पर जो एनर्जी और फर्मी एनर्जी फर्मी फंक्शन के बीच में ग्राफ लिया गया है, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन टेम्परेचर पे फर्मी फंक्शन एफ ई की वैल्यू। जब आप देखते हैं ये फर्मी एनर्जी की वैल्यू है ई एफ, तो वेन एनर्जी इज ग्रेटर देन ई एफ, दैट मीन्स जब फर्मी एनर्जी से ऊपर की एनर्जी स्टेट की अगर हम बात करें, वेन एनर्जी ई इज ग्रेटर देन ई एफ देन फर्मी फंक्शन विल बी जीरो। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्मी फंक्शन बिकम जीरो। आप इस डायग्राम से इस एक्सप्रेशन में भी अगर हम रखें वेन ई इज ग्रेटर देन ई एफ सो 1/e^(∞), दैट मीन्स फर्मी फंक्शन बिकम जीरो। सो फर्मी फंक्शन बिकम जीरो, दैट मीन्स की इस एनर्जी स्टेट के ऊपर के जितने एनर्जी स्टेट्स हैं वो पूरी तरह से एम्प्टी होंगे इलेक्ट्रॉन से, और जो एनर्जी स्टेट लेस देन फर्मी फंक्शन है, दैट मीन्स व्हेन ई इज लेस देन ई एफ देन फर्मी फंक्शन बिकम वन। व्हेन फर्मी फंक्शन बिकम वन, दैट मीन्स कि फर्मी एनर्जी लेवल से लेस एनर्जी स्टेट्स सभी इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगे। ये बात होती है सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर किसी दूसरे टेम्परेचर की हम बात करें जो एब्सोल्यूट जीरो से बियॉन्ड है, दैट मींस उस समय पर हमको मिलता है फर्मी फंक्शन की वैल्यू 50%। दैट मींस कि एनी अदर टेम्परेचर पे जो फर्मी लेवल्स हैं या फर्मी स्टेट्स हैं वो 50% फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन से। सो इट इज क्लियर दैट द फर्मी एनर्जी इज अ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दैट मीन्स फर्मी एनर्जी लेवल एक मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्मी फंक्शन और एनर्जी का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंट्रेंसिक, जैसे आपको मालूम है कि सेमी कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर दैट मीन्स प्योर सेमी कंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर्स में आपको मालूम है कि नंबर ऑफ होल्स जो चार्ज कैरियर्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में n इक्वल्स टू p, दैट मींस द चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, चार्ज कैरियर ऑफ होल्स इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं हम क्योंकि एक एनर्जी लेवल है। तो आपको मालूम है कि जैसे हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देखा, वैलेंस बैंड और हायर एनर्जी स्टेट दैट इज कंडक्शन बैंड। सो इन वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल कहलाता है ईवी, जिसको हम ईवी से डिनोट करते हैं, और कंडक्शन बैंड का
कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम ईसी से डिनोट करते हैं. सो इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रेंसिक दैट मीन्स प्योर सेमी कंडक्टर, द फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल है तो फॉर्बिडन गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है जिसको हम फॉर्बिडन एनर्जी गैप कहते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रेंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इक्वल रहते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, दैट इज व्हाई द फर्मी एनर्जी लेवल इज इन द मिडल ऑफ द फॉर्बिडन एनर्जी गैप. दैट मीन्स ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई सी प्लस ई वी बाय टू. इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन मैंने पीडीएफ बना के आपको सेंड किया हुआ है, आपको पूरा डेरिवेशन इसका मिल जाएगा. लेकिन हमें यहां पर अभी यही चीज समझने की जरूरत है कि प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मिडिल में होता है फर्मी एनर्जी लेवल. दैट मीन्स कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं इलेक्ट्रॉन से. सो दैट इज व्हाई द फर्मी एनर्जी लेवल इज मिडिल इन द फॉर्बिडन एनर्जी गैप. सेकेंड टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है, टाइप है सेमी कंडक्टर्स का, दैट इज एक्सट्रेंसिक टाइप सेमी कंडक्टर. एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में, जैसे आपको मालूम है कि हमारे दो सेमी कंडक्टर के टाइप है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज पी टाइप एंड अनदर वन इज एन टाइप. इन पी टाइप सेमी कंडक्टर द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन, the number of probability of holes is greater than the number of electrons in intrinsic semiconductor, p type semiconductor. p type semiconductor mein jaise aap jante hain ki number of holes greater hote hain number of electrons se. so fermi level ki agar hum baat kare to fermi level mein, ab yahan par fermi level aapko valence band aur conduction band ke middle mein nahi milega, balki p type semiconductor mein fermi level shift ho jata hai वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर. दैट मीन्स यहां पर फर्मी लेवल आपको मिलता है वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि नंबर ऑफ होल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर इसमें शिफ्ट होता है फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में. सेकेंड टाइप की बात करें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड में. सो एन टाइप सेमी कंडक्टर में अगर हम फर्मी लेवल की बात करें तो यहां पर फर्मी लेवल शिफ्ट होता है कंडक्शन बैंड के पास, दैट मीन्स अब यहां पर मिडिल में नहीं रहेगा. एन टाइप सेमी कंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास शिफ्ट हो जाता है. ये आपको मालूम है कि ईसी जो है वो कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है, वीबी का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल, बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है ईवी, और ये है फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो इट इज, ये क्लियर हो गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल मिडिल से बैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास शिफ्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली फर्मी फंक्शन हमको ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे जितने क्वांटम स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से कितने फिल्ड हैं, क्या वो 50% फिल्ड है या वो 100% फिल्ड है, उसके अकॉर्डिंग फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1, 1/2 और 0 आपको मिलती है. और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल्स किस तरीके से शिफ्ट होते हैं ये आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी.